हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम तुम्हारे 10वीं कक्षा के हिंदी सौरभ की किताब से एक नया विषय पढ़ेंगे। इस नया विषय को पढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक गाना सुनाना चाहती हूँ। हे या मोड़ी साए या मोमा, हे आम जनम भूई, ए हरि से बारे जीवन दे बारे, आसम भौणी भाई, आसम भौणी भाई, ओडिशा मोडिशा, ओडिशा मोडिशा, केड़े सुंदर राइज मोर, केड़े मीठा मो भाषा, ओडिशा मोडिशा। सुजला सुफला शस्य श्यामला, चीर चंदनिया वीर प्रसविनी, कीर्ति किरटिनी आमर ए ओडिशा माटी। हाँ पिले, आमर ओडिशार परंपरा महान अटे एवं यार संस्कृति अद्वितीय अटे। तो बच्चों, शायद आप सभी को पता चल गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हाँ बच्चों, आज हम तुम्हारे 10वीं कक्षा के हिंदी सौरभ के किताब से गद्य विभाग में से जननी जन्मभूमि पढ़ने वाले हैं। यह निबंध हमारी जन्मभूमि ओडिशा, जिसे उत्कल, कलिंग, कंगोद, कौशल के नाम से भी जाना जाता है, उसी के बारे में काफ़ी जानकारी देता है। कलिंग के लोग बड़े वीर और साहसी होते थे। कलिंग की सेना ने सम्राट अशोक की सेना के साथ मुकाबला किया, बहुत लोग मारे गए। मध्यकाल में ओडिशा के गजपति राजाओं ने गंगा से गोदावरी तक अपना राज्य फैलाया था। आज वह गौरव अतीत में डूब गया है। उत्कल भूमि मंदिर मूर्तियां बनाने की कला में मशहूर थी। यहाँ की चित्रकला तथा अन्य शिल्पकला देश विदेश में प्रख्यात थी। ओडिशा का वर्तमान फिर से उत्साहजनक हुआ। स्वतंत्रता के बाद यहाँ अनेक उद्योग और कारखाने स्थापित हुए। कई बंदरगाहों की स्थापना हुई है। यह प्रांत आज प्रगति के पथ पर चल रहा है। यह दुनिया बड़ी अजीब है, क्या क्या नहीं है इसमें। बड़े बड़े पहाड़ हैं, घने जंगल हैं, कलकल करती नदियां बहती हैं, झरने झरते हैं, सागर गरजते हैं, किस्म किस्म के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नर नारी है, भला है तो बुरा भी है। तुलसीदास कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करता। यहाँ जड़ चेतन चर अचर सब हैं। यह विविधता का भंडार है। अच्छे लोग अच्छाई को चुनते हैं, जैसे कि हंस दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। यह दुनिया बड़ी अजीब है, क्या क्या नहीं है इसमें। बच्चों, अजीब का मतलब है विचित्र। यही संसार बड़ा विचित्र अटे। इथिरे कौन कौन नहीं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, घने जंगल हैं, कलकल करती नदियां बहती हैं, झरने झरते हैं, सागर गरजते हैं, किस्म किस्म के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नर नारी हैं, भला है तो बुरा भी है। बड़ बड़ पहाड़ अच्छी, घंच जंगल अच्छी, कड़ कड़ ध्वनि रे नदी गुड़ी का बहु अच्छी, झरणा झरुची, सागर वर्जन करुची, विभिन्न प्रकार गच्छ लता, पशु पक्षी, नर नारी अच्छा, भला अच्छी तो मंद मध्य अच्छे।
तुलसीदास कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार। बच्चों, जड़ का मतलब है निर्जीव। जड़ माने होची निर्जीव, चेतन माने होची सजीव। तो तुलसीदास कहुचंती, ईश्वर ए संसार रे निर्जीव सजीव गुणी ओ दोष युक्त सब प्रकार रा विविधता करिचंती। यहाँ जड़ चेतन चार अचर सब हैं। जड़ माने होची निर्जीव, चेतन माने होची सजीव, चार माने होची गतिशील, अचर माने होची स्थिर। पिला माने मने रखिदव, यहाँ जड़ चेतन चार अचर सब हैं। एठारे निर्जीव सजीव गतिशील स्थिर समस्ते अछंती। यह विविधता का भंडार है। अच्छे लोग अच्छाई को चुनते हैं, जैसे हंस दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। यह विविधता का भंडार है। विविधता का मतलब है विभिन्न प्रकार। तो पिला माने, यह विविधतार भंडार अटे। गुणी व्यक्ति गुण को बाछती, जेपरी हंस दुग्ध पी दिए एवं पानी को छाड़ी दिए। संसार हर पल बदलता भी रहता है, रीतियें बदलती हैं। मौसम कभी सुहावना होता है तो कभी डरावना। संसार प्रत्येक समय रे परिवर्तनशील, ऋतु मध्य बदली थाए। ऋतु के भी सुखद होई थाए तो केते बेले दुखद। सुहावना माने होची सुखद, डरावना माने होची दुखद। कभी जान लेवा गर्मी तो कभी कड़ाके की सर्दी, केबे कष्टदायक गरम तो केबे कष्टदायक ठंडा होई थाए। जहाँ हरी भरी फसल नाचती है वहाँ अकाल भी पड़ता है। जेउठी प्रचुर फसल नाचु थाए सेठारे दुर्भिक्ष मध्य पड़ी थाए। आदमी कभी सुख चैन से जीता है तो कभी दुखी होता है। मनीष केतेबेले सुखरे बंची थाए तो केतेबेले दुखरे बंची थाए। कहीं अमीरी है तो कहीं गरीबी। अच्छे दिन जल्दी उड़ जाते हैं, बुरे दिन हौले हौले सरकते हैं। क्योंठी धनी तो क्योंठी गरीब लोक अछंती। भल दिन शीघ्र चली जाए, दुखर दिन धीरे धीरे जाए। लोके कहंती एही जीवन मध्य कौन, सुखर चारि दिन परे पुणी दुखर समय आसी थाए। लोग कहते हैं कि यह जिंदगी भी क्या है, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। यह मनुष्य भी अजीब प्राणी है, वह अंधेरी रात से डरता नहीं लड़ता है। वह हर दुख को झेलता है, हर दर्द को सहता है। चार दिन की चांदनी की तलाश में उन चंद दिनों के सुख के लिए प्रकृति से भी लड़ता है। यही मनुष्य विचित्र प्राणी अटे। से अंधार सांघरे लड़ाई करे, डरे नहीं। से प्रत्येक दुख एवं प्रत्येक यंत्रणा को सह्य करे। चारि दिनर सुख पाई प्रकृति विरुद्ध रे संग्राम करे। उस पर कब्जा जमाना चाहता है, क्योंकि आशा से ही आकाश थामा है। मनुष्य की यह अदम्य जिज्ञासा नया नया इतिहास रचती है। यह उसके उत्थान और पतन की कहानी है। तो बच्चों, मनुष्य प्रकृति को नियंत्रण करिबा को चेष्टा करुचि। मनीषर एहि प्रबल जिज्ञासा नुआ नुआ इतिहास गढ़े। अदम्य माने हेउचि प्रबल, जिज्ञासा माने हेउचि जानने की इच्छा, जानिबार इच्छा। यह उसके उत्थान और पतन की कहानी है। यह तहर उत्थान और पतनर कहानी अटे। इसलिए हर आदमी का, हर समाज का, हर देश या प्रदेश का अलग इतिहास होता है। उसमें उसकी आशा आकांक्षा, खुशी गम का, सफलता विफलता का, आलस्य और चौकसी का लेखा जोखा रहता है। आइए अपनी जन्मभूमि ओडिशा के इतिहास के एक दो पन्ने पढ़ें। तो पिला माने, तेणु प्रत्येक लोकर, समाजर, देशर बा राज्यर अलग इतिहास रही, जेउथिरे ताहर आशा आकांक्षा निराशा सुख दुख सफलता विफलता आलस्य सचेतनतार विवरणी रही। आसंतु निज जन्मभूमि ओडिशा इतिहासर दुई पृष्ठा पढ़िबा। ओड्र देश या ओडिशा के कई नाम मिलते हैं, कलिंग, उत्कल, कंगोद और कौशल। एक एक नाम
शायद किसी अंचल या काल में ज्यादा प्रिय हुए हैं। उड्र देश बा ओडिसार केतेक नाम मिले, कलिंग, उत्कल, कंगद और कोशल। प्राय गोटे गोटे नाम केतेक अंचल किंबा समय रे अधिक प्रिय होइथिला। इस इतिहास का पहला पन्ना है ईस्वी पूर्व तीसरी शताब्दी का। पिला माने पन्ना माने होची पृष्ठा एवं ईस्वी माने होची शताब्दी। इस इतिहास का पहला पन्ना है ईस्वी पूर्व तीसरी शताब्दी का। ख्रीष्टपूर्व तृतीय शताब्दी रु यार प्रथम पृष्ठा आरंभ। लिखा है कलिंगाहा साहसिकाहा। लेखा अछि कलिंगवासी भारी साहसी, क्योंकि कलिंग के सैनिकों ने विशाल मगध सेना के दांत खट्टे कर दिए। कारण कलिंगर सैनिक माने विराट मगधर सैनिक मानंकु युद्ध रे परास्त कले। सम्राट अशोक का डटकर मुकाबला किया, जाने दी जमीन नहीं दी। बच्चों, दांत खट्टे कर देना का मतलब है हरा देना, पराजय करिबा। सम्राट अशोक ओडिशा अधिकार करिबा पाई विशाल सैन्य को ने ओडिशा उपरे आक्रमण कले। आम ओडिशावासी कलिंगवासी सम्राट अशोक कबलरु निजर जन्मभूमि को बचेबा पाई तांकर सेना बाहिनी को सह मुकाबिला कले। जन्मभूमि को बचेबा पाई प्राण उत्सर्ग करि देले, शहीद हेले, किंतु जन्मभूमि को जेबाको देले नहीं, ताकू रक्षा कले। लाख की तादाद में मरे, लाख बंदी बने, दया नाम की नदी में रक्त की धारा बह चली। ना राजा का नाम पता है ना सेनापति का, लेकिन प्रचंड अशोक भी घबरा गया, वह धर्माशोक बन गया। युद्ध छोड़ दिया, तलवार फेंक दी, मानव प्रेम और अहिंसा की नीति अपनाई। तादाद माने होची संख्या, लक्ष लक्ष संख्या रे ओडिशा वासींकर प्राण गला, लक्षे बंदी मध्य हेले। दया नदीर नाम तुम्हें माने सुनिथिबो पिला माने, से युद्ध रे दया नदीर स्रोत रक्त रे लाल होई गला। केते भयंकर युद्ध थिला पिला माने, बहुत ही भयानक युद्ध थिला। दया नदी रक्त रे लाल होई गला ता माने तुम्हें माने जानी पारथबो केते भयंकर से युद्ध थिला। ताहा एते भयानक युद्ध थिला जे राजा बा सेनापतिर नाम नथिला ओडिसा रे, किंतु चंडाशोक अशोक हृदय तरळी गला, से धर्माशोक होई गले, युद्ध छाड़ी देले, अस्त्र त्याग कले, मानव प्रेम ओ अहिंसार नीति मध्य धारण कले। धौली के अशोकीय शिलालेख उसका बयान करते हैं। बच्चों, शिलालेख का मतलब है शिलालेख, पत्थर ऊपर जो लेखा जाए नी ताको शिलालेख कहंती। धौली शिलालेख रे अशोकंक कीर्ति वर्णना करा जाय छे। पहाड़ी पर जापानियों के हाथों बना नया बौद्ध स्तूप उस गौरवशाली घटना की उद्घोषणा करता है। तो पिला माने जापानी मानंक द्वारा निर्मित बौद्ध स्तूप रे एही गौरवमय घटनार विवरणी मिले। वीरत्व की यह कहानी आगे बढ़ती है, वीरत्वर यह कहानी आगो को बढ़ी चले। कलिंग सम्राट खारबेल मगध पर आक्रमण कर देते हैं, उसे पराजित करके कलिंग जिनको वापस ले आते हैं। वीरत्वर यह कहानी आगो को बढ़ी चलेला। कलिंग सम्राट खारबेल मगध आक्रमण करिथिले, तांकु पराजित करी कलिंग जिन फेराई आनिले। खंडगिरी उदयगिरी के शिलालेख और गुफाएं खारबेल का यशोगान करती हैं, कलिंग के स्वर्य की यह अमर कथा है। तो पिला माने खंडगिरी उदयगिरी तमे माने भुवनेश्वर रे देखी थिबो, तो से खंडगिरी उदयगिरी शिलालेख और गुंफा मान खारबेल यशोगान करती, यह कलिंग वीरत्वर अमर कथा अटे। साहसिकता का यह सिलसिला आधुनिक युग में फिर दिखाई देता है। बक्सी जगबंधु, सुरेंद्र साय, चाखे खुंटिया,
चक्रधर विशोई, लक्ष्मण नायक जैसे साहसी कलिंग के सपूतों ने अंग्रेजों को भी चैन की सांस नहीं लेने दिया था। इन लोगों ने प्राण दे दिए मगर अन्याय नहीं सहा। तो बच्चों, साहसिकता का यह सिलसिला आधुनिक युग में फिर दिखाई देता है। यही सिलसिला किंबा यही कड़ी बंद हेला नहीं पिला माने। तुम्हें माने जानी छो जे आम देश को इंग्रेज माने शासन करुथिले एवं आम देश सेतेबेले कौन थिला पराधीन थिला। आम देश 1947 मसीह रे स्वाधीन हेला। बक्सी जगबंधु, सुरेंद्र साय, चाखी खुंटिया, चक्रधर बिशोई, लक्ष्मण नायक आदि साहसी कलिंग पुत्र माने इंग्रेज मानंकु आराम रे बसिबाकु देइ नथिले। एही सुपुत्र माने जीवन देइदेले किंतु अन्याय सहि नथिले। इतिहास का अब दूसरा पन्ना देखें। उत्कृष्ट कलाओं का देश उत्कल। सदियां बीत गई मगर भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क के बड़े बड़े मंदिर आज भी सिर उठाए खड़े हैं। दुनिया के ये अजूबे हैं। अजूबे का मतलब है आश्चर्य वस्तु। इतिहास का अब दूसरा पन्ना देखें। अधुना इतिहास रा एबे अन्य पृष्ठा देखिबा। उत्कृष्ट कलाओं का देश उत्कल। उत्कृष्ट कलार देश उत्कल। सदियां बीत गई, शताब्दी बीती गलानी मगर भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क के बड़े बड़े मंदिर आज भी सिर उठाए खड़े हैं। किंतु भुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क बड़ बड़ मंदिर आज मध्य मुंड टेकी ठिया होई छंती। दुनिया के ये अजूबे हैं। एमाने विश्वर आश्चर्य अटंती। भव्य और विशाल स्थापत्य, अनेक छोटे बड़े मंदिर, हजारों नारी मूर्तियां, विभिन्न चेष्टाओं और भंगिमाओं से मुग्ध कराने वाली हाथी, घोड़े, पहिए, कमल, स्थाकार मंदिर, विशाल और मनोहर नृत्य गान के माहौल, द्वारपाल, दिक्पालों के पौरुष, ये सब देशी विदेशी पर्यटकों के लिए जादू के नमूने हैं। ओडिशा के सूती और पाट के वस्त्र, सोने चांदी के गहने, कांसे पीतल के बर्तन, सिंह की कलाकृतियां विदेशी बाजार के आकर्षण रही हैं। तो बच्चों, भव्य और स्थापत्य कलार अनेकों छोट बड़ मंदिर, हजार हजार नारी मूर्ति, विभिन्न भंगिमा, शारीरिक मुद्रा मनमुग्ध करती। हाथी, घोड़ा, चक, पद्म, रथाकार मंदिर, विराट और मनोहर नृत्य गीतर परिवेश, द्वारपाल, दिगपाल मानकर पुरुषत्व, एगुड़िक सबु देश विदेशर पर्यटक मानक जादूर नमूना अटे। ओडिशार सूता और पाट वस्त्र, सुना रूपार अलंकार, कंसा पीतलर बासन और सिंगर कलाकृत गुड़िक विदेशी बजार रे आकर्षण केन्द्र रही आसी। ओडिशी चित्रकला, नृत्य और संगीत आज विदेशों में अत्यंत लोकप्रिय हैं। ओडिया साधव बनिए, छोटे बड़े नावों में सुदूर पूर्वी द्वीपों में व्यापार का जाल फैलाए हुए थे। महासमुद्र की तरंग मालाओं में नाच नाच कर जाते और धन रत्नों से नौकाएं भर भर कर घर लौटते थे। न तूफानों से डरते थे, न गहरे सागर से। वे कहते थे, आ का माँ भये, हमें किसी का डर नहीं। चिलिका झील तो उत्कल लक्ष्मी की विलास सरोवर रही। लेकिन दीपक जलता है तो बुझता भी है। ओडिशा के ऐसे शौर्य, ऐश्वर्य और वैभव सब काल के गर्भ में विलीन हो गए। ओडिशा का सारा कार्यकलाप इतिहास बन गया, उसका पतन हो गया। पिलामने, ओडिसी चित्रकला, नृत्य और संगीत आज विदेश रे अत्यंत लोकप्रिय होईछि। ओडिया साधव छोट बड़ बोइतरे सुदूर पूर्व द्वीप मानकरे जाए व्यवसाय करुथिले। महासमुद्र रा तरंग मळारे जाउथिले।
ଓ ଧନରତ୍ନ ବୋଇତରେ ଭରି ଆଣୁଥିଲେ। ତୋଫାନ ଓ ସମୁଦ୍ରକୁ ତାଙ୍କର ଭୟ ନଥିଲା। ସେମାନେ କହିଥିଲେ, ଆ କା ମା ଭାଇ। ଆ ମାନେ ହେଉଛି ଅଶ୍ୱିନୀ, କା ମାନେ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ, ମା ମାନେ ହେଉଛି ମାଘ, ଭାଇ ମାନେ ହେଉଛି ବୈଶାଖ। ଆମକୁ କାହାକୁ ଭୟ ନାହିଁ, ନା ଅଶ୍ୱିନୀ, ନା କାର୍ତ୍ତିକ, ନା ମାଘ, ନା ବୈଶାଖ, କାହାକୁ ବି ଭୟ ନାହିଁ। ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ରହିଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ବୈଭବ ଓ ଗୌରବ ଦିନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଇତିହାସ ହୋଇଗଲା, ତାହାର ପତନ ହୋଇଗଲା। ବିଶ୍ୱୀ ସତୀ କେ ଆରମ୍ଭ ମେ ମହାପୁରୁଷ ମଧୁସୂଦନ ନେ ଇସ୍ ଇତିହାସ କୋ ପଢ଼ା, ଉନକା ଦିଲ ଭରାୟା, ଉନ୍ହୋନେ ସୋତେ କୋ ଜଗାୟା, ବୋଲେ ହେ ଉତ୍କଳ କେ ସପୁତୋ, ଉଠୋ ଜାଗୋ, ଅପନେ ପୁରାନେ ଗୌରବ କୋ ୟାଦ କରୋ। ତୁମ୍ହାରେ ପୂର୍ବଜୋ ନେ ଗଙ୍ଗା ସେ ଗୋଦାବରୀ ତକ ଅପନା ରାଜ୍ୟ ଫୈଲାୟା ଥା, ୱହ ଟୁଟ ବିଖର ଗୟା। ଗଜପତି ଗୋଡ଼େଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟ କଲ ବର୍ଗେଶ୍ୱର କି ଉପାଧି ଝୁଟୀ ହୋ ଗଈ, ତୁମ ଦାନେ ଦାନେ କେ ମହତାଜ ହୋ ଗଏ, ଅବ ତୋ ଉଠୋ କରୋ ୟା ମରୋ। ପିଲାମାନେ, ଦିଲ ଭରାୟା ମାନେ ହେଉଛି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା, ସପୁତ ମାନେ ହେଉଛି ସୁପୁତ୍ର, ରାଜ୍ୟ ଫେଲାୟା ମାନେ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ, ମହତାଜ ମାନେ ହେଉଛି ଦରିଦ୍ର। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ମହାପୁରୁଷ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଏହି ଇତିହାସଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ସେ ଶୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରି କହିଲେ, ହେ ଉତ୍କଳର ସୁପୁତ୍ରମାନେ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ନିଜର ପ୍ରାଚୀନ ଗୌରବକୁ ସ୍ମରଣ କର। ତୁମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ଗଜପତି ଗଡ଼େଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱରର ଉପାଧି ମିଛ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ତୁମେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଗଲ, ଏବେ ଉଠ, କର ନଚେତ ମର। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଓନେ ୟାହ ପୁକାର ଶୁଣି ଅପ୍ରେଲ 1936 କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ବନା। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହି ଡାକରା ଶୁଣିଲେ, ଏପ୍ରିଲ 1936ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହେଲା। ଅନେକ ସୁଧି ନେତା କାମ ମେ ଜୁଟ ଗଏ, ନବନିର୍ମାଣ କା ବିଡ଼ା ଉଠାୟା। ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ନେତା କାମରେ ଲାଗିଗଲେ, ନବନିର୍ମାଣର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହୁଆ, ଅନେକ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲେ, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା, ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ହେଲା। ନଇ ଔର ତକନିକୀ ଶିକ୍ଷା କା ଇନ୍ତଜାମ ହୁଆ, ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଣୟନ ହେଲା। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଔର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲେ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। କିଛି ବର୍ଷ ମେ ହଜାରୋ ଅମଲି ଅଫିସର, ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଔର ଡାକ୍ତର ତୟାର ହୋ ଗଏ। କିଛି ବର୍ଷରେ ହଜାର ହଜାର ଅମଲା ଅଫିସର, ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓ ଡାକ୍ତର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ଇନ୍ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଓନେ ଅପ୍ନେ ତଥା ବାହାରକେ ପ୍ରାନ୍ତ ମେ କାମ କରକେ ନାମ କମାୟା। ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରଦେଶ ତଥା ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କଲେ। ହୀରାକୁଦ ବାନ୍ଧ ବନା, ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ହେଲା, କ୍ଷେତକେ ସିଚାଇ ହୁଏ, କ୍ଷେତରେ ଜଳସେଚନ ହେଲା, ଅନାଜ କା ପୈଦାବାର ବଢ଼ା, ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲା। ରାଉରକେଲା ସେ ଲୁହେ କା ଉତ୍ପାଦନ ହୋନେ ଲଗା, ରାଉରକେଲାରେ ଲୁହା ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା। ସୁନାବେଡ଼ା ମେ ହୱାଇ ଜାହାଜ ବନେନେ ଲେଗେ, ସୁନାବେଡ଼ାରେ ଉଡ଼ା ଜାହାଜ ତିଆରି ହେଲା। ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରଗାହନେ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ବଢ଼ାବା ଦିଆ, ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରରୁ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରସାର ହେଲା। ଇମ୍ଫା, ନାଲକୁ, ଜିନ୍ଦଲ ଅର୍ ବେଦାନ୍ତ ଜୈସେ ବଡ଼ି ବଡ଼ି କମ୍ପାନିଆ ଧାତୁ ଦ୍ରବ୍ୟ କା ଉତ୍ପାଦନ କିଆ। ଇମ୍ଫା, ନାଲକୋ, ଜିନ୍ଦଲ ଓ ବେଦାନ୍ତ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନେ ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ। ଚାନ୍ଦିପୁର ଅର୍ ବଡ଼ମାଲ ମେ
देश के लिए आधुनिक रक्षा सामग्री बनने लगी। चांदीपुर और बड़मल देश पाई आधुनिक रक्षा सामग्री तैयारी हेला। आजकल तो ओडिशा में ही सारी आधुनिक सुविधाएं मिलने लगी हैं। ओडिशा रे समस्त आधुनिक सुविधा आजिकल मिलवा को लगी छी। सदियों के बाद फिर ओडिशा की किस्मत पलटी है, वह प्रगति के रास्ते पर आया है। दूसरे राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और देश के प्रगति में भी उसका योगदान बढ़ा है। यह उसके उत्थान का लक्षण है, हम सबको इससे लाभ उठाना चाहिए। नए उद्यमों में भागीदारी होनी चाहिए, तब ओडिशा का नया इतिहास बन सकेगा। सदियों बाद फिर ओडिशा की किस्मत पलटी है। केते शताब्दी परे ओडिशार भाग्य बदली छी, वह प्रगति के रास्ते पर आया है। से प्रगति पथरे चली छी, दूसरे राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। अन्य राज्य मानक सह पाद को पाद मिसाई चालू अछि। देश की प्रगति में भी उसका योगदान बढ़ा है। देशर अग्रगति रे मध्य ताहार योगदान कम नुहे, यह उसके उत्थान के लक्षण है। यह ताहार उन्नति रे लक्षण अटे, हम सबको इससे लाभ उठाना चाहिए। आमे समस्ते एथिरु लाभ उठेबा उचित। नए उद्यमों में भागीदारी होनी चाहिए, तब ओडिशा का नया इतिहास बन सकेगा। पिला माने नुआ कलकारखाना रे अंशीदारी हेबा उचित, तेबे ओडिशा रो नूतन इतिहास गढ़ा हेबो। पिला माने गोटे खुशी खबर, तुम हिंदी सर बही रे पद्य विभाग रे जेते पद्य अछि एवं गद्य विभाग रे जेते गद्य विषय अछि, आज से सब कंप्लीट हो गला। आगकु मु यहार समस्त प्रश्नोत्तर तमानकु करिकी देबी। आउ गोटे कथा पिला माने, तुम्हें माने गोटे काम करिबो, तुम्हें माने लोपा क्लासेस चैनल प्लेलिस्ट को जीव, सेठी तुम्हारे मैथ हो किंबा इंग्लिश हो किंबा हिंदी हो किंबा ज्योग्राफी हो, तुम्हें सेठी तुम्हें सिलेक्ट कल, सेठी तुम्हारे कौन है, तुम्हार जो नुआ सिलेबस आसी एबे 30% बाहर कर दि जाइए, से हिसाब से आम क्रम अनुसार सजे रखीचु। तुम सिलेबस बाहर जोटा अच्छे आम हटे दौचु, आ तुम सिलेबस जहाँ अच्छी प्ले लिस्ट ओनली से गुड़ाक ही एड हो, तो तुमको सहज हम पढ़ापाई क्रम अनुसार सजा जाइए, जमती तुम बही अच्छी सेमती ही प्ले लिस्ट तुमने पाइपर। सो पाने तुमने जिते बड़े भी चाहिए जहाँ पढ़ापाई तुमने आराम से लोपा क्लासेस प्ले लिस्ट को जीव, से ही प्ले लिस्ट तुमने आराम से क्रम अनुसार सब चैप्टर पाइव। पाने तुम मानक जदि यह क्लास टी भल लगी, तुम्हें जदि जननी जन्मभूमि चैप्टर टी को बहुत भल भाव बुझिपारि तेल निश्चित रूपे लाइक कर, आउ जदि चैनल नुआ अछ ताहले निश्चित रूपे सब्सक्राइब कर, एवं फ्रेंड्स मानक सहित शेयर करिबा पई जमारु भी भूलिबनी। आउ गोटे कथा पिला माने, तुम्हें माने सकाळे 3:30 to 4:30 भितरे उठिया पई चेष्टा कर, काहे कि ना सकाळर पाठ बहुत भल भाव मन रहे। ता सहित 3:30 to 4:30 को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाए, तुम्हें पाठ पढ़ कि न पढ़ 3:30 to 4:30 उठवा हूँ गोटे बहुत भल गुण, तेणुक तुमने निश्चित रूप से उठ एवं पाठ पढ़। गुरुजन मानक रेस्पेक्ट कर। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।